All right, all right. namaste ji this is manu again from chartians let's look at what markets did on tuesday and what markets can do tomorrow tuesday ko markets ne kya kiya kal markets kya kar sakte hain turant dekh lete hain okay now what was our view for the day our view for the day first of all was ki market agar first of all hamara view kya tha ek you can say mean reversion ke liye hum log play karenge correct और mean reversion अगर नहीं हुआ या जब तक structure intact है तब तक हम लोग sell on rise karenge अगर structure break हुआ that's when we will think of going long in the market okay Now, अगर आप देखोगे मार्केट्स में हुआ क्या है जो देखो एक चीज जो मैंने डिस्कस की थी कल अगर मार्केट नीचे खुलेगा देन आपको एक स्पाइक मिलेगी जो इनिशियल फर्स्ट टिक में जो पुट बाइक करेगी वो लोग निकालने के लिए एंड वो एक्सैक्टली exactly अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप कैंडल देखोगे इतनी बड़ी स्पाइक मतलब किसी ने भी अगर पुट बाइक किया रहेगा तो वो लोग यहां से निकल गए रहेंगे करेक्ट एंड ये यह जब यहाँ पे बना यहाँ पे हमने इंटीमेट कर दिया कि यहाँ देखो ये राइड्स ये राइड तो हम लोग ने पकड़ा इन द केस ऑफ फिन निफ्टी फिन निफ्टी में सिंस ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना था एंड सिंस अच्छा कैंडल बना था हम लोग ने ये राइज यहां तक पकड़ा ठीक है फिर उसके बाद हमारा ट्रेलिंग त्रे, स्टॉप लॉस बेट हो गया जो भी ट्रेड्स हमने ट्यूजडे को ले वो यहां पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अगेन इट वॉज टचवुड अ ग्रीन डे मतलब कोई भी ट्रेड्स रेड में नहीं गए सब ग्रीन में क्लोज हुए ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यों हमने वो ट्रेड लिया था फर्स्ट जो हमारा लॉजिक जो हमेशा यूज करते हैं आप लोग को भी पता है अभी हंड्रेड टाइम्स हो गया ओपन इजे लो कैंडल जब भी बनता है हम लोग मिस नहीं करते उसको ओपन इज इटे लो कैंडल मतलब बायर्स प्रेजेंट है मार्केट में क्ट तो यहां से हम लोग क्या करते हैं हम लोग ने बाई दे दिया मार्केट फिर, फिर, की की, okay, फिर से अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ गया ठीक तो है ये सिनेरियो क्या है ये सिनेरियो बुल ट्रैप है राइट right? जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट देता है बट सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ने ये कम से कम आई थिंक 50, 60 टाइम्स हम लोग ने वीडियोस में देख लिया है कि ये बुल ट्रैप होता है क्या क्या होता है मार्केट का जो नेक्स्ट मूव रहता है वो बहुत क्विक रहता है अगर आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ है मार्केट ने एक अच्छा डाउन मूव दिया है एंड आई थिंक ये ऑप्शन हम लोग ने मेन चैनल पर भी शेयर किया था ये टू हो गया था फिर निफ्टी में पुट ऑप्शन एंड बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो सेम सिनारे जो हम लोग पीआउट बैंक निफ्टी में चलो बुल ट्रैप बनाए नहीं तो बैंक निफ्टी तो हम लोग ने ट्रेड ही नहीं किया बैंक निफ्टी हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे सपोर्ट पे देखो हैमर डोजी दोनों बन गया था आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी फिर कंसोलिडेट की मतलब दिस वाज योर एंट्री एंड यहाँ से थोड़ी ऊपर गई मार्केट फिर बाद में साइडवेज हो गई तो ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ एटी फाइव पॉइंट्स ही हमारा फर्स्ट uh, टारगेट था वो हिट हो गया यहाँ पे एंड फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड इनिशियल मूव जो था वो देखो ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ना है अगर आपको देन यू नीड टू बी वेरी क्विक विद योर यू कैन से प्राइस आप प्राइस बिहेवियर आपको आना चाहिए प्राइस बिहेवियर अगर आपको नहीं आता है प्राइस एक्शन आपको नहीं आता है देन यू वोंट बी एबल टू मेक मनी इन दिस मार्केट बिकॉज अभी थोड़ा और कॉम्पिटेटिव हो गया है बहुत जन सेबी का जो नया चेंजेस है उसके बारे में भी यू uh, नो you know, मेरा ओपिनियन लेना चाहते तो यस मैं ओपिनियन शेयर करूंगा उसके बारे में भी एट दी एंड ऑफ वीडियो डोंट वरी फर्स्ट अपन व्यू फॉर लेते वो इंपॉर्टेंट है यहां पे अगर देखू तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से वही ब्रेकआउट दिया सस्टेन नहीं किया जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी हम लोग ने यहां पर भी पुट ट्रेड दिया उसको भी यहां से राइड सो इट वॉज अ सेलॉन राइस डे एंड यहां पर जब ऐसे साइडवेज डे बनना चलू गया तो बारह बजे के बाद हम लोग ने कोई ट्रेड दिया ही मतलब ये ट्रेड ये टारगेट जब हिट हो गया उसके बाद हम लोग ने कोई भी ट्रेड नहीं दिया बिकॉज क्या हो रहा था मार्केट में बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था बट निफ्टी ऊपर जा रहा था करेक्ट इट इट मीनस वट जब भी देखो दो इंडाइटिस ऑपोजिट मूवमेंट दे देते इट मीन दैट मार्केट्स में साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि क्या हो गया था मार्केट सुबह ही अप मूव दे दिया था फिर एक डाउन मूव दे दिया था मतलब साइडवेज का चांसेस फॉर ऑलवेज देर ओके दैट इज अ रीजन हम लोग ने uh, वो व्यू दिया था जो भी देखो अपडेट्स आई थिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिए थे आई थिंक बहुत सारे डीएम्स अभी भी पढ़ना बाकी है विल गो थ्रू देम बट येस अ गुड वीक एंड अ गुड स्टार्ट टू मंथ ऑफ अक्टूबर ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस जो सेबी के चेंजेस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर हैं देखो मैं ज्यादा आई थिंक सर्कुलर पढ़ा नहीं उसके बारे में एकदम डिटेल में मेरे को नहीं पता ठीक है मेको भी कोई दूसरे यूट्यूबर या ट्रेडर की वीडियोज देखने पड़ेंगे जिसने बनाया है बट वॉट आई थिंक इज जहाँ तक मेरे को पता है कि लॉट साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज ठीक है अभी आई थिंक निफ्टी का एक लॉट अगर आप लेने जाते हो तो आई थिंक इट इज सेवन लैक्स या सिक्स लैक्स कुछ तो अभी वो नंबर बढ़ के फिफ्टीन से ट्वेंटी लैक्स होने वाला है मतलब निफ्टी का लॉट साइज अभी मेरे हिसाब से मे बी सिक्सटी या सेवेंटी फाइव के बीच में हो सकता है बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज जो करंट है वो डबल हो सकता है ठीक है बेसिकली जो भी लॉट साइज अभी इंडेक्स के हैं वो डबल हो सकते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहा है मार्केट ऐसा इसलिए कर रहा है यू नो सेवी का भी मैं एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ बट देन ऐसा क्यों कर रहा है सेवी दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो एंट्री बैरियर जो रहता है या जो एंट्री अगर किसको करना है मार्केट में वो लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए बिकॉज आजकल हर कोई एंटर कर रहा है मार्केट में बट आई डोंट नो इफ दिस स्टेप इज गोइंग टू हेल्प नॉट बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे प्रीमियम्स अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसमें कुछ ज्यादा आपको यू नो चेंज हुआ नहीं आपको सिर्फ अपना क्वांटिटी कम करना है और कुछ है नहीं उसमें चेंजेस राइट एंड येस थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड चेंज होएगा आपका थोड़ा मूवमेंट भी यू uh, नो you know, अच्छा हो जाएगा मार्केट में देखना पड़ेगा अभी देखो ये तो फर्स्ट चेंज है कि लॉट साइज सीधा डबल होने वाला है मेरे हिसाब से एंड सेकेंड चेंज क्या है सेकेंड चेंज वीकली एक्सपायरीज देखो अभी आजकल एवरी डे कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी थी राइट मंडे को मिड कैप निफ्टी बैंक ट्यूजडे को फिन निफ्टी वेनेसडे को बैंक निफ्टी थर्सडे को निफ्टी फिर फ्राइडे को सेंसेक्स मतलब एवरी डे देर वॉज वन एक्सपायरी ठीक है तो अभी रिटेल क्या कर रहा है आई मीन रिटेल इज लाइक फुल गैमलिंग अभी से बी देखो से बी इज दी ओनली वन जो एट दी स्टार्ट मंथली एक्सपायरी होती थी जब हम लोग ट्रेड करते थे मंथली एक्सपायरी होती थी सिर्फ कुछ वीकली भी नहीं था अभी फिर उसके बाद उन्होंने वीकली चालू किया ओके okay, फिर उनके बाद उन्होंने डेली चालू किया ठीक है अभी दे आर ओनली सेइंग कि अभी रिटेल के लिए इट इज डेंजरस एंड दे आर गोइंग बैक टू वीकली एक्सपायरीज ऑफ ओनली टू इंडेक्सेस एवरी वीक एंड देन मंथली एक्सपायरी ऑफ ऑल द इंडेक्सेज एज अ चांसेस है ओके okay, अभी वीकली एक्सपायरी के देखो अभी तक कुछ uh, बताया तो नहीं है आई थिंक कल तक क्लियर हो जाएगा बट आई थिंक निफ्टी या सेंसेक्स का रहेगा वीकली एक्सपायरी एंड देन मे बी देखो निफ्टी या सेंसेक्स का रहेगा या तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का रहेगा बैंक एक्स का तो थो थोड़ा डाइसी है बट निफ्टी बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी सेंसेक्स का रह सकता है एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी तो सब इंडाइसिस का रहेगा अभी मंथली एक्सपायरी आई थिंक इट इज गोइंग टू रिमेन जैसे हम लोग का अभी डेली चल रहा था वैसे मंथली एक्सपायरी का भी ऐसे ही रहना चाहिए बट आई डोंट नो मे को भी खुद का क्लैरिटी कुछ मिला नहीं अभी तक सो मेको भी देखना पड़ेगा कि क्या है उसके बारे में बट ये है दिस इज अ गुड मूव कली एक्सपायरी एवरी डे रखना वॉज रियली टीडियस क्योंकि मार्केट्स में आपको भी पता है कैसे मूवमेंट आ रहे थे एंड विक्स और प्रीमियम मूवमेंट का रिलेशन ही खत्म हो गया था मतलब मार्केट में मतलब मार्केट में कुछ भी हो रहा था विक्स बढ़ रहा था ठीक है प्रीमियम्स घट रहे थे या विक्स कम हो रहा था लेकिन प्रीमियम बढ़ रहे थे कुछ भी चल रहा था मार्केट में मेन्यपुलेशन या मे बी रिटेल को फाइनली समझ में आया आई मीन सेबी को फाइनली समझ में आ गया एंड दे सम गुड चेंजेस तो ये yes, मार्केट्स uh, में मेरे हिसाब से अभी वॉल्यूम वगैरह कुछ कम होने वाला है नहीं देखो जैसे से भी ने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें ट्राई कर कर चुके हैं मार्केट में बट वॉल्यूम्स तो कम होते नहीं है बिकॉज वट गैम्बलिंग हो गया है अभी एफ एन ओ एवरी बडी वॉन्ट्स टू डू एफ एन ओ एक एडिक्शन हो गया है आई नो वी रन अ बिजनेस ऑफ यू नो प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन टिप्स बट देन वी नो क्लियरली कि यू नो हाउ मच रिटेल इज इन लॉस तो हम लोग को भी पता है कि यू नो इट इज़ बिकम अ गैम्लिंग बिजनेस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर रिटेल टू स्टॉप एफ एन ओ ठीक है हम लोग कितना बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो फिर भी यू you नो know, बहुत सारे जन नहीं कर पाते इमोशंस कंट्रोल ओके बट ये yes, इसके लिए हम लोग ने अभी अभी स्टेप्स ले लिए हम लोग भी सीधा यू you नो know, रिस्क जो भी देते हम लोग ट्रेड्स अगर आप देखे हमारे ट्रेड्स जो हम लोग दे रहे हैं अभी उसमें रिस्क रहता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी थ्री पॉइंट क्योंकि हम लोग चाहते हैं बिकॉज क्या हो रहा है कि अगर एक भी ट्रेंडिंग डे मिल गया समझो हम लोग ने वन फिफ्टी रुपीज़ का कोई कॉल दे दिया या वन ट्वेंटी रुपीज़ का कोई कॉल दे दिया रिटेल क्या करता है वो स्टॉप लॉस पर हिट नहीं कर एग्जिट ही नहीं करेगा ठीक है आई नो यू ये बहुत जन रिलेट कर पाएंगे आप आप आपसे भी जो वीडियो देख रहे हैं कि बहुत जन स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते नहीं है स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाते नहीं है तो उससे क्या होता है अगर समझो वन फिफ्टी रुपीज हमने बाय दिया उसका स्टॉप लॉस हमने दिया वन ट्वेंटी मतलब थर्टी पॉइंट्स का एस ठीक है नहीं हुआ हिट आई मीन एस एल हिट हो गया और उसने एग्जिट नहीं किया या वो रिटेल ने एग्जिट नहीं किया तो क्या होगा वो वो करेगा क्या अभी वो एवरेज करेगा और सोचेगा मन में कि अभी थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल दूंगा बट क्या होता है फिर ट्रेंडिंग डे मिल जाता है फिर वो और नीचे और नीचे और नीचे होते जाते हैं तो अभी रिटेल को क्या लगता है कि अभी थोड़ा तो स्पाइक आएगा अभी इतना नीचे गिर गया अभी थोड़ा स्पाइक आएगा तो क्या करता है और एवरेज करता है एंड ऐसे ऐसे करके वो ट्रेड को चलाते रहता है एंड वो तीन बजे फिर बंद करता है बड़े लॉस में तो क्या हो गया पूरा 150 पॉइंट्स 10 पॉइंट 20 पॉइंट में वो निकाल देता है मतलब ऑलमोस्ट 120 ट्वेंटी पॉइंट्स का लॉस करेक्ट दैट इज रीजन हम लोग जो अभी ट्रेड्स दे रहे हैं उसमें वी आर एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड्स दे रहे हैं हम लोग जहाँ यू नो द रिस्क इज ओनली ट्वेंटी पॉइंट्स बिकॉज हम लोग जो प्रीमियम दे रहे हैं वो ट्वेंटी पॉइंट्स या ट्वेंटी फाइव पॉइंट का रहता है मतलब वो होगा ज्यादा से तो ज्यादा तो जीरो मतलब आपका ट्वेंटी का रिस्क है बट यस yes, उसमें भी लोग क्या क्या करते हैं कि ट्वेंटी फाइव पॉइंट है तो बहुत ज्यादा क्वान्टिटीज लेते हैं विच इज रॉन्ग ओके अगर आपको ये गेम में लंबा टिकना है देन रिस्क मैनेजमेंट को आपको प्रायोरिटी देना है कल का वीडियो आप जाके जा देख लो जहा पे मैंने बोला था कि इस मार्केट में अगर आप फोर फाइव इयर्स सस्टेन हो गए देन मार्केट्स आपको ऑटोमेटिकली चीजें सिखा देगी एंड यू गाइस विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ यू सस्टेन फॉर फोर फाइव ईयर अगर आप न्यू ट्रेडर हो देन फर्स्ट टू इयर्स यू शुड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल एंड लर्निंग इन द मार्केट मतलब पहले आपका कैपिटल प्रोटेक्शन का सोचो एंड देन ओनली प्रॉफिट्स का सोचो ओके दैट शुड बी दी यूर आइडियल स्टार्ट यू कैन से इन दिस स्टॉक इन दिस मार्केट राइट नाउ जो अभी चल रहा है मार्केट सिनारी ठीक है ना ये हुई uh, सेबी की दो चीजें जो आई थिंक इट्स अ गुड स्टे विकली एक्सपायरी इफ यू आस्क मी इज अ वेरी गुड चेंज बिकॉज दैट वॉज गेटिंग टी ठीक है बट uh, बाकी सब चीज आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट रिटेल मच ओके मेरे को तो नहीं लगता इफेक्ट होएगा रिटेल फ्यूचर्स आई थिंक सो बंद हो जाएगा ट्रेड करना आई मीन फ्यूचर्स बहुत कम क्वांटिटी से अभी लोग ट्रेड करेंगे बिकॉज एक चार्जेस बढ़ गया है सेकेंड मार्जिन भी बढ़ गया है काफी ठीक है दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑप्शन सेलर्स ऑल्सो देखो ऑप्शन सेलिंग में इतनी बात नहीं करते हम लोग बिकॉज ऑप्शन सेलिंग हम लोग खुद शेयर नहीं करते ना करते हैं ठीक है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी एक अच्छा है बिकॉज ऑफलेट अगर आप तो बहुत स्पाइक्स की वजह से ऑप्शन सेलर्स का टारगेट तो हिट हो ही नहीं रहा था एस जंप हो रहा था और कैपिटल उड़ रहा था ओके okay, ये बहुत बार हो चुका है तो आई थिंक टू कर्व दैट मे बी दिस इज गुड बिकॉज उनको अभी आई थिंक अप फ्रंट मार्जिन कुछ रखना पड़ेगा अकाउंट में टू परसेंट एक्सट्रीम लॉस का भी ऐसा कुछ तो है आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट मी बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में नहीं करता ज्यादा तो इट शुड नॉट अफेक्ट एज एज वेल क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं प्राइमरीली बट ऑप्शन बाइंग के लिए इट्स नथिंग आपको थोड़ा लॉट साइज अब बढ़ जाएगा तो क्वांटिटीज आपको कम लेने पड़ेंगे विच इज अगेन गुड बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करके रिस्क मैनेजमेंट इज प्राइमरी ठीक है तो ये हुई सेबी की चेंजेस की बात अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो यू एस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स और अगर कुछ रॉन्ग अगर गलती से कुछ रॉन्ग भी बोल दिया दिन यू एस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान देता नहीं हूँ जब भी जो भी रहेगा देखो हम लोग को पता चल जाएगा नेक्स्ट वन टू डेज में सेटल हो जाएगी मार्केट वैसे भी ये चेंजेस आई थिंक अक्टूबर सॉरी अक्टूबर नहीं नवंबर ट्वेंटी के बाद हो रहे तो टिल देन इट इज़ बिजनेस एज यूजल फॉर अस राइट नाओ लेट्स लुक एट what कैन हैपन tomorrow इन द मार्केट एंड कल का scenario क्या है एंड डेली charts कैसे है वो अपन देख लेते ठीक है नाओ इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे ये कुछ नहीं है बहुत जन पूछ रहे हैं इंडिकेटर्स कैसे लगा दिए आपने आप तो बोलते हो इंडिकेटर्स नहीं लगा थी? ये कुछ नहीं है ये ए वी वैप है ठीक है इसका डिलीट ऑप्शन भी मेरे को मिल नहीं रहा है अभी कहाँ पर पता नहीं ओके डिलीट ऑप्शन मिल गया ठीक ए वी एप इज नथिंग मैं यूज करता हूं जब भी कोई एक स्विंग लो बनता है या स्विंग हाई बनता है तो उससे वो एक अच्छा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है बट आई रेयरली यूज इट ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के लिए मैं यूज करता हूं ओके नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम एक नेगेटिव कैंडल एक पॉज कैंडल जो देखो मैंने कल आई थिंक एक पोल भी किया था कि कौन सी कैंडल बन सकती है बहुत जन हैमर बोल रहे थे बट एट द एंड ऑफ द डे डोजी बनी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस डोजी एंड इसका मतलब क्या इसका मतलब देखो डोजी तो बनी है ठीक है ऑलमोस्ट अपने लो के पास बनी है मतलब प्रीवियस डे लो के पास बनी है इसका मतलब मार्केट्स में गुड चांस कि एक बेरिश मूव कंटिन्यू हो सकता है एंड मार्केट ट्वेंटी तक आराम से जा सकती है ओके ना एक चीज है कि बहुत जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे गैप डाउन होएगा क्योंकि इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है क्वाइट पॉसिबल क्योंकि अगर मैं निफ्टी फिन निफ्टी आई मीन सॉरी गिफ्ट निफ्टी देखूँ तो यस इट इज शोइंग क्लोज टू हंड्रेड पॉइंट्स का गैप डाउन राइट नाउ ठीक है तो अगर ये गैप डाउन होएगा मार्केट में कंटिन्यू देन वी कैन एक्सपेक्ट कंटिन्यू सेलिंग बेसिकली देखो आपको कल करना क्या है इसके नीचे सेल ऑन राइस करना है ओके okay? या ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट फिफ्टी टू या पकड़ के चलो इट इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस नाउ ये लेवल अब हमारा रेजिस्टेंस का, का काम करेगा इसके नीचे मार्केट इज मार्केट गोइंग टू बी सेल ऑन राइस बो दिल टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखू तो ये तो नेगेटिव ही है ठीक है तो ये एक सपोर्ट के पास है एक्चुअली फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड देखते हैं यहां से मार्केट क्या करती है कल फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड देखो एक सपोर्ट रीजन यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था दिस वॉज अ वेरी इजी ट्रेड यहां से एक बहुत अच्छा ट्रेड था अगर किसने मिस किया देन यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्शन स्किल्स अगेन ओके सो दिस अ वेरी गुड ट्रेड टेकन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट फिन निफ्टी देख लेते फिन निफ्टी में अगर मैं देखू तो डेली टाइम फ्रेम ओपन लो कैंडल बनाए तो इसमें भी सेम सिनारियो इसके नीचे जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड सपोर्ट है उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है तो बेसिकली द प्लान फॉर एक्शन आई मीन प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुमारो इज प्रीवियस डे लोज मतलब ट्यूजडे के डे लोज अगर ब्रेक होता है देन वी विल कंटिन्यू बींग बेरिश इन द मार्केट ओके ना लेट्स फॉर टमोरो टमोरो के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं नाव दिस वुड बी द रेजिस्टेंस देखो लेवल्स एक्चुअली कोई चेंज नहीं हो रहे ज्यादा इसको फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लेवल्स रह सकते हैं ओके okay. द is रेजिस्टेंस दैट वी हैव इज seven. Support is going to be सपोर्ट इज thousand seven twenty five. इसके नीचे देखो ओपन सिगडू लो कैंडल भी है ओपनजू लो कैंडल मतलब इसके नीचे twenty five thousand six hundred आराम आ सकता है ठीक है अभी कल पूछोगे, कल अगर मार्केट ही यहां पे खुलेगा तो क्या करना है मार्केट अगर कल यहां पे खुलेगी तो वेट करना है पहले एक SL hunting हंटिंग स्पाइक आने दो मतलब पहले टिक में जो पुट buy करके आते हैं वो लोग को निकालने दो पहले मार्केट एंड देन आप थोड़ा प्राइज एक्शन का वेट करो एंड देन इनिशियट ट्रीड जैसे ही ये हुआ था जैसे हमने हमको यू नो ट्यूजडे को मिला था प्राइस एक्शन वैसे ही प्राइस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो ठीक है ना गैप डाउन हो रहा है प्लस इफ़ देर इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ जैसे ईरान सॉरी इजराइल ने कुछ बड़ा ही यू नो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया विच यू नो क्या बोल सकते वर्ल्ड वॉर थ्री का थोड़ा चांसेस और बढ़ा रहा है दैट मीन्स दैट मार्केट्स विल बी इन पैनिक मोड एंड मार्केट्स में सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है फर्स्टिक से अगर ऐसा कोई न्यूज़ आया तो ठीक है ओवर नाइट मैं बोल रहा हूँ बट अगर ऐसा कोई न्यूज नहीं आया कल मॉर्निंग तक देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स टू अगर गैप डाउन खुल रहा है देन एक एस स्पाइक आ सकती है एंड देन मे बी मार्केट सेल सेलोनराइज के लिए जा सकता है ओके बट वेट करो जैसे आज हम जैसे हम लोग ने यहाँ पे वेट किया देखो अगर मैं देखो ट्यूजडे का प्राइस एक्शन ओपन इज रिकॉर्ड टू लो कैंडल बना था तो हम लोग ने बुलिश ट्रेड भी लिया था ओके हम लोग ने बेरिश ट्रेड कब लिया बैरिस्ट्रेड तब लिया जब हमारा सेटअप बना बुल ट्रैप का तो कल जब भी आप लोगे ट्रेड आपको पहले वेट करना है प्राइस एक्शन क्या बनेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है ठीक है बिकॉज इनिशियल फिफ्टीन थर्टी मिनट आई टू बी वेरी वॉलेटाइल ओके क्योंकि बहुत सारे पोजिशंस रहेंगे एडजस्ट भी होंगे बिकॉज बहुत जन यू नो अनहेज गए रहेंगे एंड अगर न्यूज खराब है देन यू आइज नो वॉट पैनिक हैपन्स तो वही है कल जो भी रहेगा हम लोग को वेट एंड वॉच करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है बट इन द केस ऑफ अ सरप्राइजिंग गैप अप गैपअप हो रहा है देन देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो रहा है देन वी विल सी कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे बट क्वांटिटीज बुलिश ट्रेड्स में कम रखेंगे बेयर स्ट्रेट में थोड़ा ज्यादा रखेंगे ओके बैंक निफ्टी का कल लेवल्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम अगेन देखो यहाँ पे भी यही रेजिस्टेंस का, का काम करेगा हम लोग का इसको फिफ्टी मिनट्स पर लेकर आता हूँ एंड सपोर्ट भी हमारा देखो जो कल काम किया था ट्यूजडे को वही हमारा सपोर्ट रहेगा फिफ्टी इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है फिफ्टी तक तो कल एक अच्छा फोर थ्री फिफ्टी पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है अगर कल मार्केट आज के डेलोज के नीचे ट्रेड करता है तो ओके okay? uh, फिन निफ्टी में भी फिफ्टी मिनट्स टाइम फ्रेम अगर मैं देखू तो क्रिस्टल क्लियर ओपन इज इक्वल टू लो हमारा सपोर्ट का, का काम किया है तो इसके नीचे अगर कल खुल रहे हम लोग देन ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी सॉरी थ्री फोर्टी इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सपोर्ट इसके नीचे अगेन बहुत अच्छा फॉल आ सकता है अगर मार्केट ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री फोर्टी करके नीचे जाते हैं बिकॉज एक स्विंग है जो ब्रेक होएगा मार्केट में सो वी कैन कंटिन्यू सींग अ फॉल इन द मार्केट ओके बहुत जन ये भी बोलेंगे कि समझो मार्केट इनिशियली गिरा बट अगर मार्केट राइस कर रहा है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे देखो सेम सिनेरियो मार्केट अगर राइज कर रहा है समझो अभी देखो इन दिस केस मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूं समझो मार्केट पहले राइज किया फिर नीचे नीचे गया आपने ये ट्रेड्स लिए ठीक है अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर लो हाई बनना चालू हो रहा है मार्केट में करेक्ट तो जब तक ये बनना बंद नहीं होता समझो मार्केट क्या करती है मार्केट अब यहां से ऊपर जाती है बट मार्केट इधर नहीं आती है बार मार्केट यहां से ही पलट जाती है ओके okay, अगर यहां से ही पलट रही है मतलब आपका ये फर्स्ट हिंट है कि मे बी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ सकती है ओके okay? तो आपको लॉन्ग कब करना है आपको लॉन्ग तब करना है जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मतलब समझो यहां से ऊपर गई मार्केट एक हायर लो बनाया और जब ये ब्रेक होएगा दैट्स वेन यू हैव टू इसको मैं बराबर से समझाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए बराबर से बिकॉज आई थिंक मेनी आर न्यू सब्सक्राइबर्स ऑल्सो Uh, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है आई वुड हाईली रिकमेंड यू नो वॉचिंग माई प्राइज एक्शन सीरीज वीडियो उसमें मैंने बहुत कुछ uh, सिखाया है यू गैस कैन लर्न इट ठीक है बहजन पूछते हैं कि इंट्राने में आपको ट्रेंड चेंज होगा तो कैसे ढूंढते हैं इट इज वेरी सिंपल मार्केट्स में अगर आप देखोगे इमेजिन करो मार्केट सेल ऑन राइज है ओके दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट लोअर लो लोअर हाई बन रहा है मार्केट में ओके ना मार्केट यहां से ऊपर गई ठीक है बट ये बार मार्केट नीचे नहीं आई मार्केट ने यहां से ही लो बना दिया और यहां से फिर से रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है ओके okay? तो हमको पता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होएगा मतलब क्या मार्केट में अभी हायर आए हायर लो बन सकता है करेक्ट तो मतलब मार्केट या तो आप यहाँ पे ये ब्रेक होने पे मतलब ये जो ये जो हाई है इस पर ब्रेक होने पे आप ले सकते हो ट्रेड या तो जब ये मार्केट नीचे आएगी और यहाँ पे सपोर्ट लेगी दैट्स वेन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड एंड फिर आप लॉन्ग राइड कर सकते हो देखिए दिस इज आव ट्रेंड चेंज इंट्राडे में आप ढूंढ सकते हो वेरी सिंपली ठीक है बहुत सिंपल है ये आई होप दिस इज क्लियर ओके okay, तो कल आपको यही सिनारियो उसका वेट करना है मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सरप्राइजिंग मूव दे सकती है मार्केट सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो ओके इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कल आई थिंक निफ्टी की एक्सपायरी है ठीक है एफ का जो रूल्स है वो कल तो इंप्लीमेंट नहीं होने वाला तो इनिशियल मे बी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज आ सकता है बट लेट्स सी जो भी है हम लोग कल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे बट येस फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स टू बी वेरी वॉल्टाइड स्टार्ट ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो थोड़ा अवॉइड करो देन जब मार्केट में थोड़ा प्राइज एक्शन बन जाए देन ओनली यू कैन ट्रे ठीक है एंड वन सेकन इफ यू गाइज वॉन्ट टू जॉइन आर ग्रुप्स वेर इन विद टेक द ट्रेड्स यूजिंग दीज लेवल्स द लिंक विम इन डिस्क्रिप्शन यू गाइज कैन जॉइन इट दैट्स इट राइट सो दैट्स अ बर्ड फॉर द मार्केट व्यू फॉर टूमोारो गायस यू पी गाइज लाइक दिस वेरू यू गाइज लाइक दिस वेरियो प्लीज इ दर लाइक बडेन शेयर इट विद य फ्रेंड्स इज मी मनुस्टाइनिंग ऑफ टेक केयर एंड प्लीज ट्रेड रिस्पॉसिबली हैव ए नाइस वन बाय